तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आप सब लोग कैसे हो कमेंट बॉक्स पे बताओ मुझे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ एशिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर, जो कि असम में है, मेरे घर के एकदम आसपास ही है, तो जिसका नाम है महामृत्युंजय मंदिर। एकदम बड़ा शिव मंदिर है, एशिया का सबसे बड़ा है। तो आज मैं आप लोगों को वाला मंदिर दिखाऊंगा कैसा है क्या है। तो आज तो थोड़ा काम से जल्दी आ गया, जाओ भाई। तो आज तो काम से थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो भाई GoPro उठाया, बाइक उठाया और निकल पड़ा मैं। आज तो एक ब्लॉग बनाना है और आप लोगों को वो वाला मंदिर दिखाना है। तो अगर आप लोगों को आना है ये वाला मंदिर पे, तो आप लोगों को नेशनल हाईवे 37 पे आना होगा, जो कि ये वाला रोड है। भाई मेरे पास माइक नहीं है एक तो मैं ये GoPro के इनबिल्ट माइक से शूट कर रहा हूँ, तो विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, तो माफ़ करना उसके लिए। तो मैं इसे एकदम स्लो जा रहा हूँ, एकदम स्लो, बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वाला मंदिर पे जाना है तो नेशनल हाईवे 37 से आना है आप लोगों को, ये वाला रोड से आना है नेशनल हाईवे 37। तो फिर आप लोगों को एक जगह मिलेगा, एक जिसका नाम है अवनियती, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। तो उधर से आप लोगों को राइट लेना है, तो इधर तो आप लोगों को पूरा गेट दिखाई देगा, एकदम एरो डाल के रखेगा कि कहाँ से कैसे जाना होता है। तो इतना कुछ मतलब वो प्लेस ढूंढने के लिए इतना कुछ मतलब वो नहीं है, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बस नेशनल हाईवे 37 से आओ और फिर अवनियती से राइट ले लो, मैं आप लोगों को वो वाला प्लेस दिखाता हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ वो वाला प्लेस। तो यही है वो वाला प्लेस अवनियती। तो आप लोगों को इधर से जाना होगा, इधर से, तो मैं इधर से राइट ले लेता हूँ अभी। चलो ये देखिए, ऐसे में इसमें लिखा हुआ है मृत्युंजय मंदिर, तो आप लोगों को इधर से जाना होगा। तो ज़्यादा फास्ट मैं जा नहीं सकता क्योंकि माइक नहीं है, तो हवा जो है मेरा ऑडियो बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो आप लोगों को वैसे हमने किसे राइट ले लेना है। तो अभी ये वाला थोड़ा गांव टाइप का रोड है, तो संभल के चलो, स्पीडिंग मत करो ऐसे वाले रास्तों में। हाँ वो अलग बात है कि मैं स्पीड से आया, वो मेन हाईवे था, तो ऐसे वाले रोड पे बिल्कुल स्पीडिंग नहीं। ऐसे रास्तों में बिल्कुल स्पीडिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे देखो भाई, गाय वाय आ रहे हैं तो ना मत करो, आराम से आओ, हौले हौले। तो फिर अभी हमको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, फिर कैसे जाना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वैसे बहुत दिनों बाद ऐसे गांव के तरफ निकल आया हूँ, मतलब इस टाइप का जो फील्ड है बहुत दिनों के बाद देखने को मिला है। मतलब पहले तो मतलब ऐसी जगहों पे मतलब खेल कूद के भाई पूरा शाम हम यहीं पे बिताते थे, तो वो टाइम अलग था, वो टाइम ना फ़ोन था ना कुछ था, सब लोग निकल आओ और ऐसे जगह पे बस खेलो कूदो, मज़ा आता था। अभी तो ख़त्म हो वाला टाइम, काम का प्रेशर, आप लोगों को काम का प्रेशर है, फिर आजकल के बच्चों जो है भाई फ़ोन में पूरा घुस के, फ़ोन से निकलते नहीं है, तो ऐसी जगह पे आएंगे कहाँ खेल लेना। वो अलग बात है कि आजकल पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट अलाउइंग देम टू लाइक टू प्ले इन दोस काइंड ऑफ प्लेसेस, बट क्या करें। तो हमारा एक टाइम था, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि इधर एरो किया हुआ है लेफ्ट साइड में कि मंदिर को इधर जाना होता है, ये तो हम इधर चलेंगे। ओह हाँ, क्या बोल रहा था, क्या मतलब ऐसे जगह पे आजकल तो लोग मतलब बच्चे नॉर्मली खेलते कूदते नहीं हैं, तो
वो वाला टाइम मैं बहुत मिस करता हूँ, पर्सनली मैं बहुत मिस करता हूँ वो वाला टाइम। मतलब वो अलग ही चिल टाइम था, ना कुछ डिप्रेशन वगैरह भाई, काम का प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, ना कुछ एंजाइटी, कुछ भी नहीं लाइफ में। कुछ भी नहीं, बिंदास खेलो कूदो, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो यार काम का प्रेशर, ये हो गया यो हो गया, बहुत सीन है भाई, अभी बहुत सीन है, तो कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए लिखा हुआ है मंदिर तक 1.5 किलोमीटर है, मतलब एकदम आसपास है मंदिर, आप बस वो एरो फॉलो करके आइए। हो गया, ओ भाई व्यू देखो, सनसेट का व्यू अगर अच्छा आता तो मज़ा आ जाता। तो रोड एकदम चकाचक है, रोड एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास रोड है। आप लोग आओ मज़े से मंदिर देखो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको राइट लेना है, ये वाला रोड नहीं, ये वाला रोड, मतलब जो स्पीड ब्रेकर है इधर, एरो भी क्या हुआ है, ये साइड पे आना है। इधर मस्त मस्त ये लोग रेस्टोरेंट बना के रखे हैं, आओ देखो खाओ जाओ। बम्बूज अच्छा लगा, मतलब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है जो मंदिर है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन खोल दिया है अभी पूरा, आप जा सकते हो उधर, शिव जी के दर्शन कर सकते हो। हाँ, और उधर फ्री पार्किंग भी है, अगर आप गाड़ी वाड़ी लेके आते हो तो पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, पूरा मस्त जगह है, आप लोग गाड़ी वाड़ी रोक सकते हो, बाइक वाइक रोक सकते हो, एकदम मस्त चकाचक जगह है। तो ये रहा मंदिर, और यहाँ पे फ्री पार्किंग लिखा हुआ है। ये माघ बिहू के लिए लोग इसको बोलते हैं पहला घर, नहीं इतना लगे इधर फ्री पार्किंग है, इधर भी फ्री पार्किंग है, तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है। कितने बज गए, 4:09, ठंडे का मौसम है तो भैया शाम हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो इधर फ्री पार्किंग है, गाड़ी वाड़ी रोक सकते हो। इधर दिया भैया है, दिया धूप ये सब मिलेगा, बाय कर लो। फिर आप लोगों को यहाँ पे और कुछ मिलेगा सामान, मतलब अगर आप ये देखो भाई कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लुक एट द ब्यूटी मैन। तो इसका मुझे ज्योग्राफी इतना मालूम नहीं है कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, स्क्वायर फीट कितना है, वो सब कुछ पता नहीं, लेकिन लेकिन भाई बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा वाला ये शिव मंदिर है। तो हम अभी अंदर जाएंगे, ये साइड व्यू है, और इधर भी फ्री पार्किंग है, गाड़ी वाड़ी रोक सकते हो। फिर इधर कुछ दुकान वकान है, खा पी सकते हो, होटल वगैरह भी है कुछ छोटा मोटा, और मतलब अगर कुछ इवेंट वगैरह हो तब तो इधर आप गाड़ी ला के मतलब फंस जाओगे, पूरा पूरा रोड जैम हो जाता है, इधर ट्रैफिक चारों तरफ ट्रैफिक होगा, लेकिन अब नॉर्मल डे है तो मतलब इतना कुछ वो नहीं है, भीड़ वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखो नारियल वारियल बाय कर सकते हो इधर से,
ओ भाई माला है, ये सब कुछ है। ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं मुझे देखना होगा। हाँ हो रहा है, तो इधर से एंटर करना पड़ेगा। आसपास दुकान वगैरह है, इधर देख सकते हो, ये सब कुछ देख सकते हो भाई। और इधर से एंटर करना होता है। ये मेन गेट बनेगा अभी, बहुत मतलब बड़ा होगा ये। ये सब देख सकते हो, ये सब क्या कुछ ये लोग बना रहे हैं। ये पूरा एरिया कवर अप होगा, अभी बना रहे हैं अभी धीरे धीरे। वो मेन टेंपल तो अभी हो गया है, तो जैसे देख सकते हो ये सब। ये है आपका मेन टेंपल। आप लोग नीचे से भी जा सकते हो, साइड से भी जा सकते हो, और ये सब भी बनेगा सब कुछ। ये सब कुछ बनेगा उधर, सब कुछ बनेगा। हल्का हल्का हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये रहा मंदिर। शूज़ वगैरह इधर खोल के आप लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। इधर स्टेयर्स पे फोटो वगैरह खींच सकते हो। उधर एक मंदिर है, वो वाला एक मंदिर है, साइड पे एक मंदिर है। फिर आप इधर एक चक्कर मार सकते हो, पूरा एक राउंड है, एक मार सकते हो, इसका पूरा राउंड पे है, मार सकते हो। और फिर स्टेयर्स वगैरह है, फोटो वगैरह खींच सकते हो। पूरा ऊंचा है भाई, देखो कितना बड़ा है। रे बाबा, अगर मैं रात के टाइम पे आता हूँ तो इधर पूरा पानी फाउंटेन होकर रखेगा, पूरा एकदम लाइट वाइट जलेगा, मतलब नाइट व्यू कुछ अलग ही एकदम मस्त होगा। इधर नाइट व्यू जो है एकदम मस्त होता है, मतलब वो सब कुछ लाइटें वाइटें जल जाएगा, इधर एकदम मस्त लाइटें वगैरह जलेगा, पानी वानी उड़ेगा भाई, मज़ा ही मज़ा। मतलब वो नाइट व्यू अलग होता है, और दिन का व्यू तो ये है। और ये सब कुछ बनेगा धीरे धीरे, ये पूरा एरिया जो है कवर होगा। वो शायद गेस्ट हाउस है, अगर कहीं दूर से आए बंदे तो इधर रुक सकेंगे, आई डोंट नो, आई गेस। तो ये सब कुछ बनेगा इधर। और ये जो राउंड है वो अंदर से आप मस्त राउंड मार सकते हो, पूरा बनाया हुआ है अंदर का। और मैं इधर से पूरा नहीं जाऊंगा, क्लोज करके रखा हुआ है। तो यही है मंदिर। आओ, मैंने तो बोल ही दिया कैसे आना है। ऐसे आओ, गाड़ी रोको, मस्त देखो भाई कितना बड़ा मंदिर है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि मैं भगवान नहीं मानता और इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। मतलब कई बोलते हैं अरे क्या बात बोल रहे हो, लेकिन ये फैक्ट है। मैं किसी को ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि हाँ भगवान नहीं है, हाल वाल ये कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं नहीं मानता, मैं पर्सनली ये भगवान वगैरह नहीं मानता। तो मैं बस आप लोगों को लोकेशन दिखाने के लिए आ गया, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अंदर का व्यू तो और भी सुंदर होगा। अगर इन फ्यूचर अगर कभी मैं अंदर गया तो आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाऊंगा। लुक एट द ब्यूटी। तो यही था मृत्युंजय मंदिर तक मेरा एक छोटा सा व्लॉग। होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग और देख सको ऐसे नए नए जगह। और शेयर मारो भाई अपने फ्रेंड के साथ, भाई वगैरह के साथ, बहन के साथ, ताकि वीडियो का रीच बढ़े और थोड़ा सा चैनल ग्रो हो, तब मैं और नई जगह जा सकता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।